हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं किरण एस एस सी रीजनिंग का जो बुक है उसको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज यहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे आज हम लोग एक बहुत ही खास चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम सीरीज है और सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे एग्जामिनेशन के लिए खैर अभी जो आपका नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आने वाला एसएससी एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा एग्जाम्स भी है इस साल में उन सारे एग्जाम्स के लिए ये आपका जो बुक है वो रामबन साबित होने वाला है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाला है और ऐसे से एग्जाम्स के लिए रामबान साबित होगा इसमें जो आपका पूरा जो लेटेस्ट पैटर्न है आपका बारह हजार नौ सौ पचास क्वेश्चन का उस पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे साथ में सारे कंसेप्ट को सीखने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ कर सीखने वाले हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना अब इस क्लास का नोटिफिकेशन या क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है खैर अभी हम लोग आते हैं आज के पहले नंबर वाले सवाल पे पहला नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है आप जरा ध्यान से देखोगे और इसको एक बार बनाने का कोशिश करोगे क्या करोगे इसको एक बार बनाने का कोशिश करोगे क्योंकि मैं

एक से लेकर बीस तक का मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं आपको क्यूब याद होना चाहिए यह सारा का सारा जो आपका ट्रिक है यह आपके टंग पे होना चाहिए साथ में बॉडमास तो आपको पता ही होगा और दूसरा जो आपका कैलकुलेशन है वह आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए है ना खैर अब यह जो क्वेश्चन आपका लिखा गया है इसमें क्या किया गया होगा लिखा है क्या कि तीन सत्रह तिहत्तर दो संतानवे और फिर आपका वाट लिखा है तो आप एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा ट्रिक इसमें लगाया गया होगा है ना अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका सीरीज है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम में है या फिर घटता हुआ क्रम में है तो देखेंगे सर तीन के बाद ये सत्रह ला रखा है सत्रह के बाद सेवेंटी है 297 है और नेक्स्ट वाला मेरे से पूछा जा रहा है अगर देखोगे तीन से सत्रह तक का सफर ये कैसे तय करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुणा किया गया होगा या फिर डायरेक्टली प्लस किया गया होगा यही तो किया जा सकता है ना तो यहां देखेंगे अगर गुना करेंगे तो तीन गुणे चार करेंगे तो तीन गुणे चार करेंगे तो बारह होगा क्या होगा बारह और बारह में अगर पांच जोड़ेंगे तो क्या होगा सत्रह हो जाएगा ठीक है अच्छा ये गुणे अगर प्लस पांच करेंगे तो ठीक है अच्छा सत्रह गुणे में चार करेंगे तो कितना होगा सत्रह चौका अड़सठ होगा और अड़सठ प्लस में पांच करेंगे तो तिहत्तर होगा ठीक है तो दोनों पैटर्न लगभग फिलअप हो रहा है हमारा गुणे चार प्लस पांच क्या है भाई गुणे चार और प्लस पांच हो जाएगा ठीक है अब यहां तक तो हो गया है अब हम लोग सेवेंटी थ्री को क्या करेंगे चार से गुणा करेंगे और इसमें प्लस पांच करने वाले हैं तो दो सौ बिरानवे आएगा प्लस में पांच करेंगे ठीक है तो आपका दो सौ संतानवे आ जाएगा आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है कि दो सौ संतानवे अगर हम करते हैं गुणे में चार करेंगे और प्लस पांच करेंगे तो दो सौ संतानवे को अगर गुणा किया जाए तो आपका कितना आएगा ग्यारह सौ यहाँ पे अठासी आने वाला है प्लस पाँच करेंगे तो ग्यारह सौ क्या आएगा तिरानवे आप गुणा करके देख सकते हो दो सौ संतानवे गुणे में चार करेंगे सात चौक अट्ठाइस दो कैडी करेगा नौ चौक छत्तीस यहाँ पे कैरी करेगा चारीन ग्यारह और प्लस में पांच करेंगे तो ग्यारह सौ है।, तो है, है जो हमारा नंबर दिया गया है या फिर वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है पहला दूसरा सवाल क्या है ये सारा सवाल पूछा हुआ है आप यहां देख भी सकते हैं एसएससी एस एएसआई दिल्ली पुलिस एसआई द्वितीय पाली में पूछा गया छह सात दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है जिस जिस एग्जामिनेशन में आपका जो जो सवाल पूछा गया है वो सवाल सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपके सामने लाए हैं ठीक है चलिए अब क्या है ये पाँच लिखा है फिर ये नौ लिखा है फिर छब्बीस लिखा है और फिर बीच में खाली स्थान है फिर पाँच सौ चौदह लिखा है और तीन सौ अड़तीस लिखा है आपको बताना है ये वाले जगह पे क्या होगा तो जल्दी से आंसर करके बताइएगा क्या होगा अब देखो सिंपल मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो फर्स्ट क्लास है जो आज से स्टार्ट हुआ है इसके पहले भी मैंने किरण बुक से बहुत सारा क्लासेज आपको कराया है जाकर आप वहाँ भी देख सकते हैं अच्छा ये क्लास मिलेगा कहाँ आपको तो ये क्लास आपको मिलेगा आपके प्ले में किरण नाम से प्ले बना होगा वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अब देखो पाँच नौ छब्बीस किया गया है क्या किया गया है पाँच नौ छब्बीस तो पाँच से नौ कैसे जाएगा तो पाँच गुणे में क्या करेगा दो और माइनस वन हम लोग सबसे पहला ट्रिक तो यही लगा सकते हैं ना कि पांच दुनी दस और माइनस एक करेगा तो नौ आ जाएगा अच्छा नौ गुणे में तीन करेगा और माइनस एक करेगा तो छब्बीस आएगा समझ रहे हो बात को यही तो ट्रिक लगाया गया है फिर आपका छब्बीस गुणे में चार करेगा और माइनस वन करेगा तो छब्बीस गुणे में चार करेगा तो एक सौ चार होगा माइनस वन करेगा तो एक सौ तीन इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा एक सौ तीन क्या होगा भाई सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही आंसर है ना तो देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता है प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको एक रेगुलर वे में हमारे साथ मिलकर आपको क्या करना पड़ेगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है एस एस सी के जितने भी एग्जामिनेशन है आपके 2024 के उन सारे एग्जाम्स के लिए बस एक बुक रामबान है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रोवाइड करता है चैप्टर वाइज करता है ना और साथ में जो कंसेप्ट होगा वो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ बताने का प्रयास करूंगा आगे चलिए आगे वाले सवाल पे चलते हैं दस सौ पैंसठ आठ सौ पचास सात सौ छब्बीस सौ तिरसठ और छे सौ सैंतीस और नेक्स्ट वाला पूछा गया है क्या होगा ये भी आपका दिल्ली पुलिस एसआई वाले में सत्रह वाले में आपसे पूछा गया सेकेंड शिफ्ट का सवाल है दस सौ क्या लिखा है पैंसठ ठीक है फिर आपका 850 लिखा है फिर आपका 726 लिखा है फिर आपका छः लिखा है फिर आपका छः लिखा है और आपसे ये वाला सिचुएशन आपसे पूछा जा रहा है तो अगर देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस किया गया है तो इधर से आओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर से जाओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो अगर यहाँ से यहाँ आना है तो कितना माइनस किया गया होगा छः देखोगे तो यहाँ छः होगा ये बचेगा दो मतलब ये छब्बीस क्या किया गया है प्लस किया गया है फिर यहां से यहां अगर आएंगे तो आप 726 में से 726 में से अगर 663 को छे को घटाओगे 6 में से तीन गया तीन होगा होगा नहीं होगा अब यहाँ 12 में से 6 गया 6 होगा मतलब प्लस 63 कर रहा है ठीक है आगे आ जाइए आगे अगर 726 में से 800 850 में से 726 अगर जाएगा तब आपका कितना बचेगा 850 में से अगर 726 जाएगा ये चार बचेगा ये चार में से दो गया दो बचेगा और ये एक 124 आपका प्लस कर रहा है कब जब 726 से 850 आएगा तब दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है दूसरा यहाँ पे प्लस 215 कर रहा है अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर या क्यूब का नॉलेज होगा तो आप बोलोगे गुरुदेव तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा कैसे बन जाएगा सर यहाँ अगर देखोगे तो पाँच का क्यूब किया गया है यहाँ देखोगे तो चार का क्यूब है यहाँ देखोगे तो तीन का क्यूब है अब यहाँ देखोगे तो छः का क्यूब है इन सारे में से माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कर दिया गया बोलो हाँ यह ना अब ये तीन चार पाँच छः का क्यूब किया गया है तो नेक्स्ट वाला यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दो का क्यूब माइनस वन करना पड़ेगा तो प्लस सात करना पड़ेगा जब प्लस सात करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 630 क्या होगा भाई 630 हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये तो एक स्टेप में बन गया आपका ठीक है आप यहां से इसका डिफरेंस भी निकाल सकते थे आप यहां से इसका डिफरेंस इसका इसका डिफरेंस निकालते तो लंबा स्टेप चला जाता है इसलिए मैंने कहा था कि मिनिमम आपको एक से लेके बीस तक का पूरा का पूरा स्क्वायर एक से लेके बीस तक का पूरा का पूरा क्यूब क्या होना चाहिए याद होना चाहिए ठीक है बातें आ रही है समझ में आ जाइए भाई अगले वाले सवाल पे चलते हैं अगला वाला जो हमारा सवाल है वह आपका लिखा है पाँच ध्यान से देखना 534 है आपका 543 है फिर आपका पाँच है फिर आपका पाँच है 600 आपका 20 है और नेक्स्ट वाला आपसे पूछा गया है नेक्स्ट वाला क्या किया गया है आपसे पूछा गया है कि भैया इधर क्या होगा चौंतीस तैंतालीस उनसठ चौरासी बीस और नेक्स्ट मतलब ये क्या है आपका बढ़ता हुआ क्रम में है असेंडिंग ऑर्डर में है तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो पाँच सौ से अगर पाँच सौ चौंतीस जाएगा ठीक है तो कितना का डिफरेंस होगा तेरह में से चार गया नौ मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस नौ हो जाएगा ठीक है आगे आ जाइए अगर यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो ये डिफरेंस कितना का सोलह का डिफरेंस हो जाएगा नहीं पाँच सौ उनस, और पाँच सौ में से तीन गया छः ये सोलह का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ जाएंगे तब आपका कितना का डिफरेंस होगा ये आपको देखना है तो 25 का डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ जाएंगे तब कितना का डिफरेंस होगा सोलह और ये चौदह सोलह और बीस आपका छत्तीस मतलब छत्तीस का डिफरेंस होगा तो ये वाला डिफरेंस अब देखोगे ये आपका तीन का स्क्वायर है ये चार का स्क्वायर है ये पाँच का स्क्वायर है ये छः का स्क्वायर है अगले वाले में सात का स्क्वायर करेगा मतलब उनचास जुटेगा और छः सौ बीस में अगर उनचास जुटेगा तो नौ होगा चार दो छः होगा और 6 होगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सिक्स सिक्स नाइन हमारा बिल्कुल सही आंसर है तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए बस एक स्टेप ही काफी है अगर आपका प्रैक्टिस ज्यादा है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट के लिए दो तीन स्टेप ले सकते हैं कोई इशू नहीं है उसमें टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है ठीक है भाई चलिए आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं अगला वाला जो हमारा सवाल है वो लिखा है भाई पाँच ठीक है फिर क्या लिखा है बीस फिर क्या लिखा है सत्तर फिर क्या लिखा है दो सौ दस और फिर 525 और आपसे नेक्स्ट वाला पूछा जा रहा है देखो ये भी क्वेश्चंस आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है सात सात 2017 को ठीक है तो क्या किया गया है इसमें ये आपको बताना है पांच से बीस गया है बीस से सत्तर दो सौ और नेक्स्ट आपका क्या होगा तो पांच से बीस कैसे जाएगा बोलेंगे कि सर चार गुणा कर रहा है ठीक है अच्छा ये अगर 20 से 70 जाएगा तब आप इसको क्या बोलोगे सर गुणा 3.5 कर रहा है अगर ये सात से फिर से अगर सात से दो सौ दस जाएगा सत्तर से दो सौ दस जाएगा तो गुणे में क्या करेगा तीन सात तरह इक्कीस हो जाएगा अच्छा नेक्स्ट वाला आपका क्या होगा नेक्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे तो तुम बताओ एक बार चार गया साढ़े तीन गया फिर आपका तीन गया तो ये कितना जाएगा आपका अढ़ाई जाएगा अढ़ाई जाएगा और जैसे ही अढ़ाई जाएगा तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट वाले में दो से गुणा करेगा तो 525 सौ पच्चीस गुणे दो करेगा बराबर दस सौ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है दस सौ पचास हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हमारा बिल्कुल सही आंसर है तो पॉइंट में भी कभी कभी गुना कर देता है क्या करता है पॉइंट में भी कभी कभी गुना कर देगा चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ठीक है चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग को समझ में आ गया कोई इश्यू नहीं है आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है दो लिखा है क्या लिखा भाई दो लिखा सात लिखा ग्यारह लिखा बासठ लिखा अट्ठाईस लिखा है दो सौ तेरह लिखा है फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख रहा है ठीक है अब दो के बाद जब ये सात जा रहा है सात के बाद ग्यारह तो कितना का डिफरेंस है आप अगर देखोगे तो कितना का डिफरेंस है, है ना दो के बाद सात अच्छा अगर इसका तीन का स्क्वायर माइनस दो किया जाए चार का स्क्वायर माइनस दो आ जाए ठीक है अच्छा उसके बाद अगर यहां पे आएंगे तो 216 होता है छे का स्क्वायर ना तो यहां पे छे का स्क्वायर माइनस तीन कर देगा तो ये तो गलत हो जाएगा तीन चार पांच का तो हुआ नहीं है ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा एक हमारा ऑल्टरनेट करके आता है क्या आता है ऑल्टरनेट मतलब एकांतर है ना उसके बेस पे भी क्वेश्चंस रहता है दो से सात क्या है भाई दो से सात जाएगा तो सात अगर जाएगा तो कैसे जाएगा तीन का स्क्वायर जोड़ देगा तो सात कैसे होगा तीन का स्क्वायर नौ और नौ और दो ग्यारह ठीक है अल्टरनेट अगर हम लोग जा रहे हैं तो अल्टरनेट अगर हम लोग जा रहे हैं तो ठीक है अच्छा ग्यारह से अगर ये अट्ठाइस आथ जाएगा ग्यारह से अगर ये अट्ठाइस जाएगा तो चार का स्क्वायर करेगा क्या ये करेगा चार का स्क्वायर करेगा तो चार का ग्यारह और सोलह देखोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा अः होगा लेकिन लिखा कितना अट्ठाइस है तो प्लस वन करेगा ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर पाँच का स्क्वायर करेगा ठीक है पाँच का स्क्वायर करेगा तो अट्ठाइस और ये पच्चीस आपका कितना आठ पाँच तेरह तिरपन हो जाएगा और तिरपन में एक जोड़ेगा या दो जोड़ेगा तो पचपन पचपन तो ऑप्शन में है नहीं पचपन ऑप्शन में है नहीं तो यहाँ फिर से क्या है यहाँ पे जीरो जोड़ा है यहाँ एक जोड़ेगा फिर से यहाँ जीरो जोड़ेगा तो ये तिरपन होगा और तिरपन हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है क्या करना पड़ता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ता है यहाँ पे जैसे यहाँ जीरो जोड़ा फिर एक जोड़ा फिर जीरो जोड़ेगा फिर नेक्स्ट वाले में एक जोड़ेगा और एक चीज हमारा जब तिरपन आ ही गया है फुल एंड फाइनल तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा पांच सौ आठ होगा इसी तरीके का कुछ ट्रिक यहाँ भी लगाकर रखा है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं नेक्स्ट वाला सवाल क्या कह रहा है एक लिखा है सात लिखा है नौ लिखा है तेरह है उन्नीस है इक्कीस है पच्चीस है और फिर इकतीस है कितना का डिफरेंस है बोलोगे सर छः का डिफरेंस है कितना का डिफरेंस है छः का डिफरेंस है यहाँ कितना का डिफरेंस है बोलोगे सर दो का फिर यहाँ पे कितना का डिफरेंस है चार का डिफरेंस है ठीक पहले वाले में छः का दूसरे वाले में दो का तीसरे वाले में चार का डिफरेंस है फिर यहाँ छः का डिफरेंस है फिर यहाँ दो का डिफरेंस है फिर यहाँ चार का डिफरेंस है फिर यहाँ छः का डिफरेंस है नेक्स्ट वाले में किसका डिफरेंस होगा छः दो चार छः दो चार प्लस में दो होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर थर्टी थ्री हो जाएगा ठीक है बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही ट्रिक लगाया गया है छे दो चार का सीक्वेंस बनाया छे दो चार का सीक्वेंस बनाया फिर छे दो चार का सीक्वेंस बनाएगा चाहे वो एक हमसे पूछा जाए या फिर दो दो पूछा जाए बात दोनों क्या है हमारा बराबर है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं लिखा है क्या सेवन नाइन थर्टीन और उन्नीस आपको बताना है क्या होगा ये एस एमटीएस एस में पूछा गया सवाल है तीसरा शिफ्ट का सवाल है चार दस दो हजार सत्रह कब चार दस दो हजार सत्रह जल्दी से बताइए सात के बाद नौ लिखा है नौ के बाद उन्नीस लिखा है क्या लिखा है सात के बाद नौ लिखा है सात नौ मतलब दो जोड़ा है नौ चार तेरह और तेरह छे आगे क्या करेगा प्लस आठ करेगा दो चार छ और आठ मतलब क्या सत्ताईस इस क्वेश्चन का सही आंसर ठीक है आ जाइए नेक्स्ट वाले पे लिखा है 4, 9, 16, 25, आपको बताना है अगर समझ में आ रहा है सारा कुछ तो एक बार कमेंट करते चलेगा कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तो हम भी नहीं समझ पाएंगे आखिर आप चाहते क्या हो क्या चाहते हो है ना तो एक बार कमेंट कर देना चलिए ये आपका कितना है दो का स्क्वायर है ये तीन का स्क्वायर है ये चार का स्क्वायर है ये पाँच का स्क्वायर है, है नेक्स्ट वाला छः का स्क्वायर होगा वाह जी वाह क्या बात है ऐसा सवाल मिले हलवा तो फिर मजा ही आ जाएगा है ना आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे वाला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है ग्यारह तेरह सत्रह तेईस इकतीस लिखा है दो का डिफरेंस है चार का डिफरेंस है छः का डिफरेंस है आठ का डिफरेंस है दस का डिफरेंस होगा तो फोर्टी वन और फोर्टी वन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो बताना ये क्लास कैसा लगा समझ में आया कि नहीं आया या फिर क्लासेस तो डेली चलता रहेगा मेरी कोशिश रहेगी सर जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कराया गया है वो सारे के सारे, सारे सवाल मैं आपको करा दूं विथ कंसेप्ट मैं आपको करा दूं जो एक एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आता है किसी भी चैप्टर में वो सारा का सारा मैं आपको कंप्लीट करा दूं। तो एक बार कमेंट करिएगा क्लासेस कितने बजे आएगी ये टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा तो उस टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्लास में तब तक लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद